अब हम निकालते हैं टाइम फॉर एक्सीलरेशन। टाइम फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के लिए टाइम क्या था आपका, यहाँ पे हमने देखा था ना, ये आपका क्या था, एक्सीलरेशन पीरियड था। एक्सीलरेशन के लिए टाइम कितना था, टी वन। तो एक्सीलरेशन के लिए कितना टाइम लगा है ये हम कैसे निकालेंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड मीन्स स्पीड डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, तो यहाँ से अब हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं टाइम टी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं टाइम फॉर एक्सीलरेशन। टी वन इज इक्वल टू स्पीड कितना है एक्सीलरेशन के एंड में, वी वन, और एक्सीलरेशन को किससे शो कर रहे हैं हम लोग, अल्फ़ा से। तो टाइम कितना हो जाएगा, टी वन इज इक्वल टू वी वन डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। टाइम फॉर रिटार्डेशन और ब्रेकिंग टी थ्री। ठीक है, जो ब्रेकिंग पीरियड था वो क्या था आपका, टी थ्री। ठीक है, तो सेम क्या हो जाएगा, ये भी आपका टी थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टू डिवाइडेड बाय बीटा। टाइम फॉर कोस्टिंग पीरियड टी टू। अब कोस्टिंग पीरियड में हमको दो स्पीड दिखा था, ठीक है, कोस्टिंग पीरियड में हमको दो स्पीड दिखा था, वी वन और वी टू। तो कोस्टिंग पीरियड का क्या हो जाएगा टाइम, वी वन माइनस वी टू डिवाइडेड बाय बीटा सी, क्योंकि जो कोस्टिंग रिटार्डेशन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीटा सी से। तो क्या हो जाएगा, वी वन माइनस वी टू डिवाइडेड बाय बीटा सी। अब हम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करें। तो मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में कि हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये जो कर्व है उसका एरिया अगर हम निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तीन पार्ट हमको दिख रहा था ग्राफ कर्व में, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग एक्सीलरेशन, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग कोस्टिंग पीरियड, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग रिटार्डेशन। ठीक, तो अगर ये तीन तीन एरिया का हम तीन कर्व, ये तीन जो पीरियड है उसका अगर हम एरिया निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका कर्व था, ठीक है, ये कर्व था। अब देखो इसको मैं तीन, ये इस कर्व में तीन पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, तीन पार्ट है। यहाँ से एक पहला स्पीड वी वन और ये आपका दूसरा स्पीड है वी टू। तो ये जो शेप है वो क्या है, ट्रायंगल का शेप है। ठीक है, ये ट्रायंगल का शेप दिख रहा है, इसका हाइट वी वन, बेस कितना है टी वन। तो ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है इसका, टी वन, और हाइट क्या है आपका, वी वन। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू टी वन इंटू वी वन। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला डायग्राम देखो, ये भी आपका क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, तो ब्रेकिंग पीरियड का भी आपका जो शेप बन रहा है वो क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ, बेस क्या है, टी थ्री। ठीक है, ये टी थ्री है, टी थ्री इंटू वी टू। ठीक, अब हमारे पास बच गया ये शेप। ठीक, तो ये शेप जो है वो आपका क्वाड्रिलेटरल का है। ठीक है, तो सॉरी ट्रेपेजोडियल का शेप है। इसका फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स वी वन वी टू का सम, और हाइट क्या हो जाएगा आपका, टी टू। ठीक है, तो हाफ वी वन प्लस वी टू इंटू टी टू। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है हाफ वी वन इंटू टी वन प्लस हाफ वी वन प्लस वी टू इंटू टी टू प्लस हाफ वी टू इंटू टी थ्री। ठीक है, अब आप देखिए स्पीड हमेशा किस में रहेगा, सॉरी डिस्टेंस हमेशा किस में रहेगा, किलोमीटर में रहेगा। यहाँ पे एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब यहाँ पे जो वी है, वी क्या है, स्पीड है। स्पीड किस में है, इन किलोमीटर पर आवर। टी वन क्या है, टाइम किस में है, सेकेंड में। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ये वाले टर्म को अगर मैं पूरा लिखूँ, इसका यूनिट निकालना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर जो आपका स्पीड का यूनिट था, और इंटू टाइम।
यही है। तो आप कभी देखे हो कि जो डिस्टेंस का यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर सेकंड में होता है। डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में रहता है या फिर मीटर में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो ये जो यूनिट आया है उसको हम किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर ये सेकेंड को मैं आवर में चेंज कर दूँ तो आवर आवर कैंसिल हो जाएगा और किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस सेकेंड को मैं किस में चेंज कर रही हूँ, आवर में चेंज कर रही हूँ। सेकेंड को आवर में चेंज करने के लिए मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/3600, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 1 घंटे में कितना सेकंड होगा, 3600। तो मैं सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए किसे मल्टीप्लाई करी, 1/3600, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने 1/3600 का किया है मल्टीप्लिकेशन, वो किस लिए किया है, ताकि जो मेरा डिस्टेंस का यूनिट है वो किलोमीटर में आ जाए। पहले किस में आ रहा था, किलोमीटर पर आवर सेकेंड में आ रहा था। अब मैंने क्या किया, अगर इस सेकेंड को आवर में चेंज कर दिया है तो जो यूनिट है वो किस में आ गया, किलोमीटर में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया हाफ, सब में 1/3600 का मल्टीप्लिकेशन हो गया।